उत्तराखंड राज्य में भले ही पर्यटन तीर्थाटन को बढ़ावा देने और गांव व मठ मंदिरों को शहर से जोड़ने के लिए सरकार कई दावे कर रही है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हम बात कर रहे हैं सीमांत जिला चमोली के अंतिम सीमा मोहन खाल की, जहां चमोली जिले की अंतिम सीमा और रुद्रप्रयाग जिले का प्रवेश द्वार आधा मोहन खाल क्षेत्र में है तो आधा आधा बद्रीनाथ विधानसभा और केदारनाथ विधानसभा में है, जहां पर 1978 से 1983 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मोहन खाल चोपता तुंगनाथ मोटर मार्ग वन विभाग ने 6 से 8 किलोमीटर सड़क की कटिंग का कार्य किया था, लेकिन 45 साल बाद भी 8 किलोमीटर सड़क का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। मामले को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि सड़क संबंध में गढ़वाल सांसद, विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री को कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। सर, जो है कई बार जो है कि शासन को भी जो है कि इसका वो ज्ञापन दिया है कि ये रोड जो है कि खुलना चाहिए, लेकिन सरकार ने भी जो है आँख बंद कर रखी है। इस रोड का मतलब कई बार विधायकों को भी जो वो लेटर दिया है, उसके बाद इस पर जो है कि काम नहीं हो रहा है। अगर ये रोड खुल जाती तो हमारे स्थानीय लोगों को जो है रोज़गार मिलता और रास्ते में जो कार्य तो काफ़ी पहले से रुका हुआ है। इस पर तो शासन प्रशासन को कई बार ज्ञापन दे दिया, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अब बाजार के यहाँ से कई लिंक रोडें कट गई हैं, जिससे कि यहाँ अब विकास होना बहुत टफ है। जब ये रोड खुल जाएगी तो तब यहाँ का कुछ विकास होगा, नहीं तो यहाँ असंभव है विकास होगा।